बैठक ये लगातार पहले से तय था, ये चलते रहती है और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में सतत मेवा के लिए नहीं सेवा के भाव के लिए प्रशिक्षण होते रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कल 12 फरवरी को नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट है, जिसके पहले भाजपा ईश्वर के शरण में पहुंची है। आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तमाम भाजपा नेताओं के साथ गया के विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर और मां मंगला गौरी के मंदिर दर्शन करने पहुंचे, वहां पूजा अर्चना की। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान जमकर विपक्ष पर हमलावर नजर आए, कहते नजर आए कि बिहार में जल्द ही बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले जो लोग चोर दरवाजे से अंदर घुस गए थे और सरकार में बहाली की जगह वसूली का काम करते थे, उन सबको नीतीश कुमार ने बाहर निकालने का काम किया है। तो वहीं तेजस्वी यादव पर जमकर हमलावर नजर आए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, क्या कुछ उन्होंने कहा पहले आप वो सुने। गया में हम लोगों का विधानमंडल का प्रशिक्षण का कार्यक्रम था, आज भगवान विष्णुपद मंदिर का दर्शन और मंगला गौरी का पूजन के साथ बिहार के अंदर बिहार की जनता के लिए पूरी तरह से बिहार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, बिहार के गौरवशाली ज्ञान विज्ञान की धरती का पुनर्जागरण हो और बिहार के सांस्कृतिक विरासत फिर से गौरवान्वित हो, बिहार की जनता हर बिहारी अपने को गौरवान्वित महसूस करे। जिन लोगों ने अराजकता जंगल राज और गुंडा राज में तब्दील किया है, ऐसे लोगों की मुक्ति बिहार से मिले। बिहार फिर से हर बिहारी अपने मान सम्मान स्वाभिमान और गर्व के साथ मिल करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत को जो ठहर गई है उसको बढ़ाने में पूरी ताकत से लगे, यही हमने माता से कामना की। बहाली के लिए भी सोशल मीडिया पर 3,000-30,000 बहाली है। देखिए, बहाली की प्रक्रिया तो NDA सरकार से शुरू हुई है और आगे भी जारी रहेगी। जिन लोग चोर दरवाजे से आकर के सत्ता में अराजकता अपराध और भ्रष्टाचार स्थापित करने का काम कर रहे थे और बहाली के नाम पर नियुक्ति के नाम पर वसूली का खेल खेल रहे थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको बाहर कर दिया। जनादेश जनता का था NDA के प्रति और फिर से NDA सरकार बन गई। दूसरा दिन सर क्या होगा? दूसरा दिन बैठक ये लगातार पहले से तय था, ये चलते रहती है और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में सतत मेवा के लिए नहीं सेवा के भाव के लिए प्रशिक्षण होते रहता है। जन प्रतिनिधि को बिहार लोकतंत्र की जननी भी है, लोकतंत्र को मजबूत करना, जनता के विश्वास पर खड़ा उतरना और जनता के हित में बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान के हित में काम करने के लिए हमारे जो अनुभवी लोग हैं उनका ज्ञान मिलता है, आपस में संवाद होती है, आपस में विचार होता है, जन समस्याओं के समाधान के लिए आपस में गहन गंभीरता के साथ समीक्षा होती है। ये जमींदारी मानसिकता का वंशवादी परिवारवादी लोग है, लोकतंत्र को में इनको विश्वास नहीं है, विधायकों को बंधुआ मजदूर की तरह बांध करके रखते हैं और विधायक जनता के विश्वास और जनादेश को लेके आता है और जनता के विश्वास के साथ इस तरह से क्रूर मजाक करना ये वंशवादियों का चरित्र है और ऐसे वंशवादी लोग कभी न जनता के हित में, न जाति के हित में, न जमात के हित में, न राज्य के हित में हितैषी हो सकते हैं। हर बिहारी को जिसने गाली बनाया है उससे मुक्ति के लिए मिलकर अभियान चलाना चाहिए। कल नीतीश कुमार की NDA वाली नई सरकार की अग्नि परीक्षा है, फ्लोर टेस्ट होने वाला है। नीतीश कुमार इस फ्लोर टेस्ट में पास अगर होती है तो ही अपनी सरकार आगे चला पाएगी। अब इसको लेकर बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है, सभी नेता
दावा तो कर रहे हैं विधायकों के एकजुट होने का, लेकिन सभी को टूट का डर सता रहा है। कभी भाजपा अपने विधायकों को गया बुला लेती है तो कभी राजद अपने विधायकों को घर में नजर बंद रखी हुई है। इसको लेकर विजय सिन्हा ने कहा कि ये इनकी जमींदारी मानसिकता को दर्शाता है, किस तरीके से इन्होंने विधायकों को बंधुआ मजदूर की तरह रख रखा है ये इससे पता चलता है। नजर बंद कर लिया गया है तेजस्वी यादव के बंगले में राजद के तमाम विधायकों को, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। कल नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार फ्लोर टेस्ट में पास होगी और ऐसे जो लोग चोर दरवाजे से अंदर आए थे इन सभी को बाहर निकालने का काम किया जाएगा। अब नीतीश सरकार कल फ्लोर टेस्ट में पास होती है या फेल, ये देखने वाली बात होगी। इसको लेकर जो कुछ लगातार राजनीति देखने को मिलने वाली है आने वाले दिन में, उससे भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।